अमेरिका ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अलकायदा सरगना अल जवाहरी को एक ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया। खुफिया जानकारी मिलने के बाद रविवार दोपहर ही जवाहरी पर ड्रोन स्ट्राइक की गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। जवाहरी ने 2011 में अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद इस आतंकी संगठन की कमान संभाली थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रोन स्ट्राइक अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA की स्पेशल टीम ने की। जवाहरी अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद से ही काबुल में रह रहा था। वहीं अमेरिकी एक्शन पर तालिबान भड़क गया है और इसे दोहा समझौते का उल्लंघन बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अल जवाहरी के मारे जाने के बाद राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमने जवाहरी को ढूंढ कर मार दिया। अमेरिका और यहाँ के लोगों के लिए जो भी खतरा बनेगा, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हम आतंक पर अफगानिस्तान में अटैक जारी रखेंगे। बाइडेन ने पहले ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि शनिवार को मेरे निर्देश पर अमेरिका ने अफगानिस्तान के काबुल में हवाई हमला किया, जिसमें अलकायदा का अमीर अयामन अल जवाहरी मारा गया। इंसाफ हो गया। आपको बता दें कि 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकवादियों ने 4 कमर्शियल प्लेन हाईजैक कर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टकरा दिए थे। अमेरिका में इसे 9/11 अटैक के नाम से भी जाना जाता है। इस अटैक में 93 देशों के 2,977 लोग मारे गए थे। इस हमले में ओसामा बिन लादेन अल जवाहरी समेत अलकायदा के सभी टेररिस्टों को अमेरिकी जांच एजेंसी ने आरोपी बनाया था। जवाहरी को मारने के लिए अमेरिका इससे पहले भी कई बार कोशिशें कर चुका था। 2001 में जवाहरी के अफगानिस्तान के तोरा बोरा में छिपे होने की सूचना मिली थी, मगर हमला करने से पहले जवाहरी भाग निकला। हालांकि इस हमले में उसकी बीवी और बच्चे मारे गए। वहीं 2006 में जवाहरी को मारने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने फिर से जाल बिछाया था। उस वक्त पाकिस्तान के दामदौला में उसके छिपे होने की सूचना मिली थी, मगर मिसाइल हमले होने से पहले जवाहरी वहां से भाग निकला था। अल जवाहरी ने इसी साल अप्रैल में 9 मिनट का एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में उसने फ्रांस, मिस्र और हॉलैंड को इस्लाम विरोधी देश बताया था। वीडियो में जवाहरी ने भारत में हिजाब विवाद को लेकर भी बेतुका बयान दिया था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।